अगम कुआं स्थित राजकीय फार्मेसी संस्थान में मनाया गया विश्व फार्मासिस्ट दिवस, डिप्टी सीएम समेत कई मंत्री हुए शामिल। खबर है पटना से, जहां विश्व फार्मासिस्ट डे के मौके पर पटना सिटी के अगम कुआं स्थित राजकीय फार्मेसी संस्थान में फार्मासिस्ट दिवस मनाया गया। इस मौके पर डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद, पूर्व मंत्री नंदकिशोर यादव, ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार समेत स्वास्थ्य विभाग के कई अधिकारी भी मौजूद रहे। वहीं स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम में शामिल हुए, जहाँ लोगों के स्वास्थ्य संबंधी कई विषयों पर चर्चा की गई। साथ ही लोगों के जीवन में फार्मासिस्ट की कितनी उपयोगिता है और जीवन रक्षक है, उस विषय पर भी चर्चा की गई। इस दौरान बताया गया कि फार्मासिस्ट डॉक्टर और मरीज के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी है, जो दवा का सही उपयोग, दवा की गुणवत्ता और दवा का सही मात्रा के संबंध में बीमारी से पीड़ित लोगों को जानकारी देता है। वहीं मरीजों को नकली और एक्सपायरी दवा से भी बचाता है। वहीं डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने विश्व फार्मासिस्ट डे के मौके पर फार्मासिस्ट छात्रों को बधाई दी और फार्मासिस्ट के महत्व पर विशेष प्रकाश डाला। इस मौके पर डिप्टी सीएम ने उत्कृष्ट फार्मासिस्ट छात्रों को सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किए। पटना संवाददाता धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। आपकी जो कई प्रकार की मांगे थी, उसको हम लोग सरकार के स्तर पर देखेंगे और वास्तव में चिकित्सक के बाद जो दवा का क्षेत्र, उसमें इनकी आवश्यकता है। इन्होंने जो बातें कही उसको हम समय पर ध्यान रखें। सर सर।